हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 3 अगस्त 2019 और यह हमारी 207वीं क्लास है। 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों, अगर आपको एमपीजी को करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में किस बैंक को भारत में बैंकिंग सुविधा की अनुमति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है बैंक ऑफ चाइना। हाल ही में बैंक ऑफ चाइना बैंक को भारत में बैंकिंग सुविधा की अनुमति प्राप्त हुई है। दोस्तों, आरबीआई ने बैंक ऑफ चाइना को भारत में बैंकिंग सेवा शुरू करने की अनुमति प्रदान की है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक ऑफ चाइना को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत सेकंड शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक सभी कमर्शियल बैंक सेकंड शेड्यूल में आते हैं और बैंक ऑफ चाइना भी इसी शेड्यूल में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश में कितने संविदा कर्मियों को सरकार निष्कासित नहीं करेगी? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है 72,000 कर्मियों को। मध्य प्रदेश सरकार 72,000 सरकारी जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए बाहर नहीं करेगी। दोस्तों, आपको बता दें 5,000 कर्मचारी पिछले 5 साल में बाहर किए जा चुके हैं। और दोस्तों, आपको बता दें प्रदेश में अभी तक संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। विभाग ने जो भी खाली पद हैं उनमें संविदा कर्मियों की नियमित किया जाएगा। जिन संविदा कर्मियों को निकाल दिया गया है उन्हें सेवा में वापस लिया जाएगा। दोस्तों, ऐसा फैसला हाल ही में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के साथ बैठक में लिया है। तो आपको याद रखना है जो 5,000 कर्मचारी और निकाले गए थे और 72,000 ये सभी संविदा कर्मियों को सरकारी नौकरी या संविदा से निष्कासित नहीं किया जाएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है बीयू यानी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल। हाल ही में बीयू का स्थापना दिवस मनाया गया है। दोस्तों, बीयू का यह 49वां स्थापना दिवस था। दोस्तों, इस मौके पर पचमणी आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के डिप्टी कमांडेंट कर्नल विजय सिंह तोमर ने बीयू के 30 स्टूडेंट को सेना में अफसर बनाने का वायदा भी किया है। उन्होंने कहा है कि जुलाई 2019 से जून 2020 के बीच 30 लड़के और लड़कियों को सेना की अधिकारी बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आपको याद रखना है बीयू का 49वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया है और यहां से 30 लड़के लड़कियों को चुना जाएगा सेना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत कब हुई है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है 1 अगस्त से। 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। दोस्तों, 1 अगस्त से 7 अगस्त 2019 के बीच विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन आने वाले खाद्य और पोषण बोर्ड ने माता पिता के सशक्त बनाना, स्तनपान को सक्षम करना की थीम रखी है। इसके द्वारा स्तनपान के प्रचार और समर्थन पर बल दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें विश्व स्तनपान सप्ताह के उद्देश्य क्या है? तो माता पिता में स्तनपान को लेकर जागरूकता पैदा करना है, माता पिता को स्तनपान को अपनाने के लिए प्रोत्साहन करना है, पर्याप्त और उचित पूरक आहार देना है, स्तनपान के महत्व से संबंधी समग्र उपलब्ध जानकारी उपलब्ध करवाना है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत 1 अगस्त से 7 अगस्त 2019 के बीच की जाएगी और इसे खाद्य और पोषण बोर्ड ने रिलीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है कपिल देव। हाल ही में कपिल देव को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 1 अगस्त को ईस्ट बंगाल क्लब ने अपनी स्थापना भी 100वीं वर्षगांठ उत्सव के रूप में मनाई। इस अवसर पर भारत के महान क्रिकेटर कपिल देव को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब क्या है आपको इसके बारे में बता दें, इसकी स्थापना 1 अगस्त 1920 में बंगाल के कलकत्ता में की गई थी।
यह अब तक 3 नेशनल फुटबॉल लीग जीत चुका है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, हाल ही में भारत गौरव अवार्ड कपिल देव को ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे लोक लेखा समिति का चेयरमैन चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अधीर रंजन चौधरी। हाल ही में अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का चेयरमैन चुना गया है। दोस्तों लोकसभा में कांग्रेस फ्लोर लीडर अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अधीर रंजन लोक लेखा समिति में कांग्रेस पार्टी के एकमात्र सदस्य हैं। दोस्तों इनकी नियुक्ति लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा की गई है। अब ये दोस्तों लोक लेखा समिति होती क्या है, आपको इसके बारे में बता दें। लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है जो भारत सरकार के खर्चों के लेखा जोखा की परीक्षा करती है, यानी भारत सरकार के खर्चों के लेखा जोखा लेती है। इसकी स्थापना 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से जबकि 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। 1967 में इसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता था, जबकि 1967 के बाद से इसका अध्यक्ष विपक्ष से होता है। तो आपको याद रखना है लोक लेखा समिति का चेयरमैन अधीर रंजन चौधरी को चुना गया है और ये कांग्रेस पार्टी से हैं। और अभी आपको जैसे पता ही है लोकसभा में बहुमत है बीजेपी को, तो इसका अपोजिट लोक लेखा समिति का चेयरमैन चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने कितने शहरों के लिए 5,645 इलेक्ट्रिक बसें मंजूर की हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 65 शहरों के लिए। हाल ही में नीति आयोग ने 65 शहरों के लिए 5,645 इलेक्ट्रिक बसें मंजूर की हैं। नीति आयोग ने 65 शहरों के लिए 5,645 विद्युत बसों को मंजूरी प्रदान की है। यह घोषणा नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत द्वारा की गई है। इससे स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और मेक इन इंडिया की पहल को भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों नीति आयोग ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि 31 मार्च 2025 के बाद 150 सीसी से कम दक्षता वाले दोपहिया वाहन इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, जबकि 31 मार्च 2023 के बाद देश में केवल विद्युत थ्री व्हीलर ही बेचे जा सकेंगे। तो आपको याद रखना है जो नीति आयोग ने यह पहल की है। दोस्तों भारत में नीति आयोग के अलावा NSTB जो है वह इलेक्ट्रिक बसों को इलेक्ट्रिक जो है प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल में ले रही है, जिससे प्रदूषण भी कम होता है। और भारत सरकार द्वारा दोस्तों इलेक्ट्रिक बसों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत ज्यादा जो जो है वो छूट इन पर दी जा रही है। तो आपको इनके बारे में इतना जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसका जन्म स्थान इंदौर में नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है किशोर कुमार। किशोर कुमार का जन्म स्थान खंडवा है। और इसके अलावा दोस्तों तीनों यानी लता मंगेशकर, सलमान खान और क्रिकेटर राहुल द्रविड़, इन सभी का जन्म स्थल इंदौर में हुआ है, जबकि किशोर कुमार का जन्म स्थल मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ है। अब दोस्तों बात आई है इंदौर की, तो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट वीडियोस को पॉज करें, इसके बाद इंदौर के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको आप याद करें, उनको रिवाइज भी करें, जिससे आपका जीके बहुत जो है इम्प्रूव होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पिनेकल ड्रीम्स। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत पिनेकल ड्रीम्स है। दोस्तों ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हम याद नहीं रखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आजकल एग्जाम में दोस्तों यही इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत है पिनेकल ड्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिका है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 96 यानी 96। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 96 नगर पालिका हैं। दोस्तों आपको बता दें नगर पालिकाओं में सदस्य की संख्या 15 से 40 के बीच होती है। 20,000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में नगर पालिका गठित की जाती है। दोस्तों आपको बता दें मनोनीत सदस्यों की संख्या 4 होती है। नगर पालिका समिति
को प्रेसिडेंट एंड काउंसिल कहा जाता है। आपको याद रखना है, नगर पालिका की समिति को प्रेसिडेंट एंड काउंसिल कहा जाता है। समिति का अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष होता है। तो आपको इतना नगर पालिका के बारे में याद रखना है। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 96 यानी 96 नगर पालिकाएं हैं। मध्य प्रदेश का नवीनतम 3 लाइन वाला रेल मार्ग कौन सा है? दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीना और भोपाल के बीच मध्य प्रदेश में पहला नवीनतम 3 लाइन वाला रेल मार्ग बनाया गया है। यानी दोस्तों अभी तक आपने देखा था कि जो है रेल 2 पटरी होती थी, लेकिन जो भोपाल और बीना जो रेल मार्ग है उस पर 3 पटरियां हैं। तो आपको याद रखना है, और ये नवीनतम 3rd लाइन रेल मार्ग है। दोस्तों एक और इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें, बीना और कटनी के बीच भी 3rd लाइन का काम चल रहा है जो आधा अधूरा हो चुका है। तो ये दूसरा सेकंड 3rd लाइन होगा बीना और कटनी के बीच। और मध्य प्रदेश का पहला 3rd रन रूट है वह है बीना और भोपाल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मकबरा बुरहानपुर में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मुमताज महल और दौलत खां, इन दोनों का मकबरा बुरहानपुर जिले में स्थित है। दोस्तों वहीं बात करें झलकारी बाई की समाधि की, तो दोस्तों ये रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी और इनका जो समाधि स्थल है वह ग्वालियर है। और दोस्तों बात करें गिरधारी बाई की, तो ये रानी अवंतीबाई की सहायिका थी और रानी अवंतीबाई मंडला की शासक थी। तो आपको इन चारों के बारे में इतना याद रखना है। मुमताज महल और दौलत खां का मकबरा बुरहानपुर में स्थित है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन यही था, आज थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये क्वेश्चन चेंज नहीं हो पाया है। तो जो क्वेश्चन था, किस शहर में मोगली पार्क बनाया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों मांडू शहर में मोगली पार्क बनाया जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों और लोगों को भी सब्सक्राइब के लिए बोलें, क्योंकि आप एमपी के करंट अफेयर के बारे में जरूर पढ़ें, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम जो पुलिस का है और एमपीएसआई का है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।